हाय गाइस, वेलकम टू द इंडियन गेमर चैनल। हम खेले स्पिन टायर्स और आज का मैप है हिल मैप। और आज का मैप ना वो मैप कह रहा हूँ, आज का गेम प्ले नहीं है, आज का वीडियो है हाउ टू वीडियो। कि जैसे जितने भी हिल स्टेशन है शिमला, हिमाचल में मनाली, ऊटी, माउंट अबू वगैरह वगैरह, अगर वहाँ पर रोडें ना हो तो आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे। एंड द आंसर इज ऑब्वियसली विद अ ब्यूटीफुल पावरफुल रशियन ट्रक। तो वो आज का हाउ टू वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वैसे ना बताऊँ मैं, एक आज का जो ये मैप है ना, ये थोड़ा सा आसान है। देखिए आप जैसे मैं मैप दिखाऊँ, इसमें मैं सीधे सीधे लंबर पर पहुँच जाऊँगा ना, तो इस पूरे क्लोकिंग वाले एरिए के बाहर बाहर मुझे रोडें दिखाई दे रही हैं। या आप देख रहे हो लंबर से इधर से मैं अगर होता हुआ आ जाऊँ तो यहाँ मैं ऑब्जेक्टिव तक पहुँच सकता हूँ। मतलब मुझे क्लोकिंग हटाने की इतनी ज़रूरत है नहीं। तो हम एक काम करते हैं, लंबर तक पहुँचते हैं आज। नहीं, लंबर तक नहीं पहुँचते, मैं आपको बताऊँ आज क्या करते हैं। हम इस मैप को शुरू से ही डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और आप सब जानते हैं डी फॉर डोमिनेट और डी फॉर डी क्लास। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ कि मैं डी क्लास ढूंढ लूँ, क्योंकि अगर मैप के शुरुआत में डी क्लास मिल जाएगा ना, फिर मैं एक और बहुत बड़ा सर्कस करूँगा जो अभी तक मैंने नहीं किया है। सही दिमाग काम कर रहा है मेरा, शैतानी एकदम। तो चलिए यही करते हैं, डी क्लास को ढूंढते हैं, लेट्स गो। तो मैं इसके साथ क्या करूँ, इस पे बिग व्हील लगाऊं, कीचड़ की इतनी लोड नहीं है इसलिए यही वाला रखते हैं। और इस पे यूटिलिटी रखूं, नहीं यूटिलिटी मुझे ज़रूरत है नहीं। अब जो मेरा प्लान है, अब आप वो देखते जाओ मेरा प्लान क्या कह रहा है। आप ही रहो क्या क्या है प्लान बताओ सही, आप बस देखते जाओ मेरा प्लान क्या कह रहा है। लग गया मीडियम ट्रेलर, अरे लगा क्या नहीं मीडियम ट्रेलर, वो शायद सही से प्लेस नहीं कर रखा मैंने, यही बात है। हाँ तो गया, ठीक है मीडियम ट्रेलर लग गया, ये वाले हैं। और कुछ रखना है, फ्रंटल एग्जॉस्ट रखूँ, फ्रंटल एग्जॉस्ट रखे ले रहे हैं। और कुछ लगाना है, और कुछ नहीं लगाना है। थैंक यू, क्रेन रख लूँ, क्रेन सपोर्ट है, क्रेन थोड़े ना। ठीक है जी, भेजे में मेरे बात उतर गई, डिफ्लॉक वगैरह ऑन। अब मैं आपको ना धीमे धीमे जैसे जैसे मैप खुलता जाएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं अपना प्लान आपको तब रिवील करूँगा मैं क्या सोच रहा हूँ। फिलहाल तो अपन लोग जो है यही मिशन है अपना कि डी क्लास खोजें। अच्छा, ये अब हमने डिसाइड कर लिया है ना कि डी क्लास ढूंढें, अब मेरी प्रोसेसिंग उसके आगे भी काम कर रही है। अब मेरी प्रोसेसिंग क्या कह रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ, सिचुएशन जैसी जैसी आती हैं। यार ये कसम से, एक सेकंड, पहले मैं आपको ये दिखाऊँ, या आपने एक वीडियो में देखा है, मैं आपको ये दिखाऊँ, ज़रा देखिएगा। इसलिए इसे कहते हैं हिल मैप। आप ये पहले दो वीडियो में देख चुके हो अगर जहाँ तक आपको याद हो। एक तो मैंने वो म्यूज़िक मैशअप बनाया था, उसमें यहीं से ट्रक लुढ़का था वो दूसरा वाला, और एक हम जो ट्रेलर ले गए थे बहुत पहले मैंने आपको दिखाया था, वो चौथा या पांचवा एपिसोड है, पता नहीं मुझे अभी ध्यान नहीं है। ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब खतरनाक है वो। उधर से पता है मैंने और दो तीन ट्राई मारे हैं कि नीचे लुढ़कने के, मतलब वो मैं बताऊँ किस्मती थी जो मैंने आपको म्यूज़िक मैशअप में दिखाया है कि मैं निकल गया, वरना निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपन लोग इधर से ही चलते हैं और रास्ते में पहुंचेंगे। वैसे बताऊँ मुझे थोड़ा सा पता है, एक जगह आगे बहुत सारे ट्रक्स मिलेंगे, एंड बहुत सारे का मतलब बहुत सारे। अभी तो हमारे पास कुल कितने ट्रक हैं, अभी तो एक ही ट्रक मिला हमें, वहाँ पे चल के देखते हैं और ट्रक भी लाते हैं। ये बताऊँ ये आइडिया लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल सही आया है, ये बिल्कुल सही आइडिया है। हम शुरू से ही डी क्लास ढूंढेंगे, अगर स्ट्रगल करनी ही है तो मैं स्ट्रगल करूंगा डी क्लास के लिए, जिससे कि मैं आगे कम से कम इस मैप को रूल कर सकूं। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा है ट्रेलर, सही में है खतरनाक मैप। आप ये सोच रहे हो इस पे
जहाँ तक मुझे लगता है ना, इस पे रूट पे जिससे हम जा रहे हैं, इससे एक बार को उतरा तो जा सकता है लेकिन चढ़ना असंभव हो जाएगा। अच्छा ये, अरे यार ये मुझे लगता, नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, मुझे लगा कि व्हील्स लगवा लेने चाहिए क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा है, शायद वो थोड़ा तेज़ी से निकालते। चलिए अब निकल ही आए हैं, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, पहले ही सोचना था। नदी आ गई, चलो अभी तो घबराने की बात नहीं है, एक तो सी क्लास है, दूसरा अभी कोई लोड है नहीं अपने पे, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है इसमें, निकल ही जाएंगे अपन लोग। क्या टाइम हो रहा है वैसे? ओके गेम टाइम हो रहा है 19 हो रहे हैं, मतलब 18:06 होता है, 7 बज रहे हैं। अच्छा तभी ये शाम सा माहौल हो रहा है, मैं वही कहूँ ये ऑरेंज ऑरेंज सा ह्यू क्यों आ रहा है सीन में, शाम होने वाली है, 7 बज गए जी। सही मैंने टाइम कैलकुलेट किया, हाँ 20 पे जो है 8 बज जाते हैं, ठीक है ठीक है। एक ये भी कभी कभी जो है ये मिलिट्री टाइमिंग जो होती है 24 आवर्स वाली, कभी कभी कंफ्यूज कर देती है। 16 माने 4, 20 माने 8, ये आप याद रखो तो ठीक है। वैसे ये कितना अच्छा ऑरेंज सा ह्यू आ गया है। अच्छा इधर से जाऊँ ना, नहीं कुछ ज़्यादा ही खड़ी चढ़ाई लग रही है, इधर से जाके देखता हूँ कोई रास्ता हो। अच्छा थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, अगर मैं सही रास्तों पे चलता रहा तो अपने को पूरा एक ग्रुप मिल जाएगा ट्रक्स का, बहुत सारे ट्रक्स हैं, और वहाँ चल के मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी सोचता हूँ क्या रखनी चाहिए। मेन मिशन तो अपना वही है, डी क्लास को ढूंढना है, लेकिन डी क्लास को ढूंढने के लिए भी किसको भेजा जाए। फ्यूल आ गया, चलो चलिए, तो यहाँ पे फ्यूल है, हैं ये पता लग गया। अच्छा यहाँ पे पता फ्यूल मिला ना, तो इस एरिया का ना मैं, अगर कोई वो हो क्या कहते हैं क्लोकिंग, पहले मैं फ्यूल डलवा लूँ। 30 लीटर खर्च हो गया, सही डलवा लिया। कोई क्लोकिंग हो इस एरिया में तो मैं वो क्लियर कर लूँगा, जिससे कि ये फ्यूल मुझे बाद में भी दिखाई देता रहे। ठीक है ये जो क्लोकिंग पास वाली है इसको ले ले रहा हूँ। यार मतलब जो है गेम टाइम के हिसाब से आज रात में हमें डी क्लास ढूंढना है, लेकिन एक बात बताऊँ ये सही है, अगर मैं डी क्लास टाइम से ढूंढ लेता हूँ ना, ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ जा रहा हूँ मैं, ख़तरनाक डैमेज ले ली उसने, कितनी ले ली, 69 हो गई, वो तो क्या कर रहा हूँ मैं भी यार, मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर दिया यार, 179 डैमेज विवाद की ले ली। ये मिल गई क्लोकिंग, चलिए जी क्लोकिंग तो मिल गई अपने को। ये यहाँ पे छोटे से रास्ते में मैंने कुछ कितनी ख़राब सी ड्राइविंग करी, 200 डैमेज पहुँच गया यार विवाद। चढ़ जा भाई चढ़ जा चढ़ जा, ये इलाका है, यस ये खुला सा शहर सा आ जाता है यार, कहाँ जंगल में शहर सा बना हुआ, बिल्कुल जैसा सोवियत रशिया के वो ब्लॉक्स हुआ करते थे पहले। ठीक है जी पहुँच गए, पहले मैं हेडलाइट जलाऊं। अच्छा सिनारियो कुछ ये है, हम पे 3 ट्रक हैं, एक तो बताऊँ पहले मैं सबसे पहला काम करता हूँ मैं अपनी डैमेज से ही कराऊँ पहले, इस ट्रक के पास कुछ है मुझे पता है, कौन से नंबर पे है ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला चाहिए, हाँ जी ना ना तुम खड़े रहो, तुम्हें मैं रिपेयर नहीं करा रहा, तुम्हारे कीमती पॉइंट्स मैं बर्बाद नहीं करूँगा, तुम एक काम करो पहले तो मुझे दो, तुम ये फ्यूल में डला चुका हूँ इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब मैं क्या बताऊँ, एक आइडिया आया है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ ना, मैं चलता हूँ उससे ऑरेंज वाले ट्रक से। अब आप पूछोगे वो घटिया ट्रक तुम क्यों उठाना चाहते हो,
मैं इसलिए उठाना चाहता हूँ ये घटिया ट्रक लो, और ये और घटिया, पहले तो आप जानते हैं ये क्यों क्यों बुरा है, क्योंकि ये डैमेज बहुत लेता है, आप जानते हो इसका बम्पर इतना टकराता है। और दूसरी खुशखबरी आप और ये और सुन लो कि इस ससुरे में वो हाईवे वाले टायर्स लगे हुए हैं, लो ये और कमाल। यार इसने डैमेज भी बहुत ले रखी है, एक सेकंड, इसे ही ले जाना है फिर हमें? हाँ मैं इसे ही ले जाऊंगा, मैं इसे ही ले जाऊंगा, क्यों? क्योंकि इस पे लदा हुआ है ऑयल, और वो डी क्लास मुझे मिला, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप भी जानते हो हमेशा उसने रुलाया, उसमें ऑयल नहीं होता, इसलिए हम पहले ही इस बार तैयारी करके ले जाएंगे। अच्छा पहले मैं इसको रिपेयर करवाऊँ, भाई इसे भी रिपेयर कर दें, आप पे बहुत पॉइंट्स हैं, बहुत पॉइंट्स 400 है ना आप पे, फिर भी इसमें सही है 41 बचे हैं, चलो कोई बात नहीं, करना ही क्या है। ये अपना रिपेयर हो गया, इस पर फ्यूल भी पूरा है, रिपेयर भी हो गया, ना ना फ्यूल कहाँ पूरा है इस पर, फ्यूल तो काफ़ी कम है इसमें, फ्यूल डलाऊँ उसमें? यार मैं इसमें फ्यूल डला ले रहा हूँ, सर्कस नहीं कर रहा, सर्कस नहीं करना है अपने को। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, अपन लोग यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, मैं क्या करता हूँ फ्रेश माइंड से, क्योंकि हमें अगले एपिसोड में कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी लेनी है, मैं फ्रेश माइंड से डी क्लास को ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा होमवर्क, और अगर जल्दी मिल गया तो कल ही कल के एपिसोड में हम लंबर के लिए भी निकल लेंगे, ये काम कर लेंगे, दो काम कर लेंगे, एक तो मैं डी क्लास को ढूंढूंगा अगले एपिसोड में, और लंबर के लिए भी निकल लेंगे, और जो मैं सर्कस कह रहा हूँ ना करने को, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या अल्टीमेट सर्कस करने की कोशिश करूँगा कसम से। तब तक मैं भी रात भर सोच लेता हूँ कि जो मैं सर्कस करना चाह रहा हूँ वो हो पाएगा कि या नहीं हो पाएगा, कि फालतू चीज़ ट्राई ना करने लगे जिसमें फेल होंगे। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, स्पिन टायर्स देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दोगे तो मज़ा आ जाएगा, मुझे पता नहीं लगता यार आप लोग कौन कौन हो, देख देख के निकल जाते हो, व्यूज़ आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन है, प्लीज़ बताओ ना कौन है, ठीक है। चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।